अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो भाई मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, रेहान भाई, कि आप जिन एसियों का रिव्यू करते हैं हमें तो वो पसंद बड़े हैं, मगर वो महंगे बहुत हैं। शार्प, जेटेक इन्वर्टरों के, आपको पता है, अक्सर मैं अपने चैनल पर इम्पोर्टेड एसियों की, हाई लेवल लग्जरी ग्रेड की एसियों की अनबॉक्सिंग करता हूँ और ज़्यादातर उन्हीं के रिव्यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर वो बहुत पसंद है ड्यू टू उनकी हाई क्वालिटी, हाई ड्यूरेबिलिटी, हाई एनर्जी एफिशिएंसी। इस वजह से वो मुझे बहुत पसंद है। वो बिजली बचाते हैं तो वाकई वो इन्वर्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा बचाते हैं। ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनके पास पैसे कम है और वो एसी की हसरत रखते हैं महंगा एसी खरीदने की, स्पेशली उन भाइयों के लिए वीडियो है। दोस्तों, शार्प जेटेक इन्वर्टर आप मेरे चैनल पे उसकी अनबॉक्सिंग भी देख चुके होंगे, बहुत से रिव्यूज किए हमने शार्प एसी पे, शार्प इंपोर्टेड वाले पे, शार्प जेटेक इन्वर्टर से हम कहते हैं अपनी जुबान में। वो यूनिट दोस्तों चंद यूनिट अवेलेबल हैं और ये उन हकदार भाइयों के लिए जो ज्यादा पैसे नहीं खर्च सकते, जो ज्यादा पैसे नहीं खर्च सकते। उसकी इस वक्त पिन पैक की जो प्राइस है, इनवॉइस तो 168 है, फिर भी अभी फैक्ट्री रेट पर 1.5 लाख रुपए में वो पिन पैक डिब्बे के साथ ऑफिशियल वारंटी के साथ मिल जाता है, पैक, फैक्ट्री सील्ड पैक। 2 टन का वही एसी विदाउट पैकिंग, कुछ पीसेस कंपनी के पास अवेलेबल है, पैकिंग उनकी किसी वजह से खराब हो गई और चंद पीस 1.5 टन के भी हैं जो के मेरे पास गुजरांवाला पहुंच चुके हैं, और इंशाल्लाह मैं फिर किसी वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा भी, बल्कि इस वीडियो में उनकी पिक्चरें भी आपको चला देता हूं साथ साथ। जो 2 टन का एसी है दोस्तों, ये ब्रांड न्यू फैक्ट्री सील्ड एसी है। बॉक्स ना होने का मतलब ये नहीं है कि एसी खराब होगा, एसी में किसी किस्म का फॉल्ट होगा या एसी रिपेयर होगा या एसी को कुछ आग पता नहीं। बॉक्स ना होने का मतलब यही है कि बॉक्स ही नहीं है, एसी ब्रांड न्यू फैक्ट्री सील्ड है, जैसे थाईलैंड से सीलें लग के निकला होता है। सिर्फ ये है कि डिब्बे जो है पैकिंग खराब हो गई है बारिश की वजह से, ठीक है, और पैकिंगों के साथ ही वारंटी कार्ड भी होते हैं तो वो भी डिस्पोज हो गए हैं, और इस वजह से जो एसी है ये अवेलेबल है कम प्राइस पे। जो 2 टन का एसी है दोस्तों, इसमें शार्प जेटेक इन्वर्टर, उसकी कीमत 1,20,000 रुपए है। ब्रांड न्यू एसी होगा, ठीक है, ब्रांड न्यू, इसकी गारंटी है, किसी किस्म का रिपेयर नहीं होगा, फैक्ट्री सील्ड होगा, अनटच एसी होगा। ब्रांड न्यू का मतलब ब्रांड न्यू एसी, और उसकी वारंटी क्या होगी? उसकी वारंटी होगी आपको पहुंचेगा, आप इंस्टॉल करेंगे, कंपनी का पूरा बैकअप है, 5 दिन चला के सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। हाँ, अगर इन एसियों को आप वारंटी लगवाना चाहते हैं, ऑफिशियल वारंटी लगवाना चाहते हैं, तो वो भी लग जाएगी, उसके 15,000 रुपए एक्स्ट्रा होंगे, 15,000 रुपए एक्स्ट्रा होंगे ऑफिशियल वारंटी कार्ड साथ लगवाने के, ठीक है। ये वही हिसाब है कि कंपनी अगर इन्हें दोबारा रीबैक करे तो कंपनी का उससे ज्यादा खर्चा आएगा, इसलिए कंपनी ने ये समझ ले कि ऑफर निकाली तो मैंने अवेल कर ली। इसमें जो 1.5 टन का एसी है दोस्तों, 1.5 टन शार्प जेटेक इन्वर्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी एफिशिएंट, बिजली के जो इतने इतने लंबे बिल आजकल आ रहे हैं उन्हें कम से कम सब लाने में ये मददगार साबित होंगे, ये शार्प जेटेक इन्वर्टर जो एसी है, गारंटेड मार्केट आप जाके देखें, लोकल मार्केट में फिरें, 1,05,000 रुपए का आपको 1.5 टन का यूनिट मिलेगा, और वो भी ब्रांड न्यू। क्या है, सिर्फ उसकी भी पैकिंग है डिस्पोज हो चुकी है, एसी ब्रांड न्यू होगा, फैक्ट्री सील्ड, चमचम करता, चमके मारता, जेन्युइन, टोटल जेन्युइन फैक्ट्री सील्ड होने की गारंटी है मेरी। सिर्फ क्या ऊपर वाला उसका डब्बा नहीं होगा, वो एसी 1,05,000 रुपए में प्योर मेड इन थाईलैंड चीज आपको मिल रही है। तो इसके मुकाबले में आप मार्केट बाहर जाकर देखें तो आपको 1,05,000 रुपए में क्या मिलेगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए मेरे चैनल के तवज्जो से आपके लिए ये समझे तोहफे हैं, और ये 1.5 टन विदाउट वारंटी होगा, 1,05,000 रुपए का, ठीक है, और इसे अगर आपने वारंटी लिखवानी है ऑफिशियल वारंटी तो ये होगा 1,18,000 रुपए का 1.5 टन, ठीक है। और वारंटी लिखवानी है नहीं लिखवानी ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। मेरी अगर आप राय पूछें तो मेरे घर में पिछले तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं शार्प जेटेक इन्वर्टर चल रहा है, अभी तक मुझे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो आगे आप खुद सोच लें कि आपको वारंटी लगवानी है कि नहीं। हाँ, अगर कोई एसी खराब होता है, पीसीबी कार्ड कभी 2-3 साल में, अवल तो ये होते नहीं, इनमें सेफ्टियाँ लगी हैं, लोकल एसीयों के, लोकल ब्रांड्स के जितने आते हैं उनके तो मैंने होते देखे, इनके बहुत लंबे अरसे तक नहीं होते, होने हो तो स्टार्ट में ही कहीं हो जाते हैं, नए में खराबी आ जाती है, वरना ये नहीं खराब होते हैं, इनमें सेफ्टियाँ लगी होती हैं, इनमें बल्कि शार्प में बहुत सी सेफ्टी हैं, इंपोर्टेड जितने भी हैं इनमें सेफ्टी होती है, पीसी भी कार्ड को झटका लगने की, पीछे से ज्यादा करंट आ गई, इन पे कोई असर वगैरह नहीं होता, फिर भी
खुदा ना खास्ता कभी कोई पार्ट खराब हो जाए तो आप मुझसे रब्ता कर लें। जिन भाइयों के पास पहले भी कोई शार्प जेटेक इन्वर्टर है, उन्हें अगर कोई इसका पार्ट्स चाहिए तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, पीसीबी कुछ भी, वो आपको आपके भाई के चैनल के तवस्सुब से वो भी आपको मिल जाएगा। सो तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो में आपने जान लिया शार्प जेटेक इन्वर्टर 1.5 टन का यूनिट विदाउट वारंटी, ब्रांड न्यू यूनिट, 1,05,000 रुपये का वारंटी लग के 1,18,000 रुपये का अगर आप लेना चाहते हैं तो, लोकल एसियों के मुकाबले में आप देख लें, सोच लें, समझ लें, ठीक है। 1,05,000 रुपये का 1.5 टन का यूनिट, और 2 टन का यूनिट 1,20,000 रुपये का ब्रांड न्यू यूनिट, और वारंटी अगर आप लगाएंगे तो वही यूनिट आपको 15,000 रुपये महंगा मिलेगा, यानी 1,35,000 का मगर बॉक्स नहीं होगा, फिर भी बड़े वारे के सोते हैं, सोच लें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।